हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लाभा वुमन कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज यहां से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं, तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। मैं आज का रूटीन किस तरह से शेयर करती हूं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं पार्क में आई हुई थी। तो दोस्तों, आज मेरी बेटी का पीटीएम था, तो रिजल्ट वगैरह मिलने वाला था, तो इसीलिए मैं यहाँ स्कूल आई हुई थी। इस स्कूल के पास ही ये पार्क है, तो रिजल्ट वगैरह लेकर मैंने सोचा थोड़ा सा पार्क भी घूम लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पार्क में आई तो पार्क बिल्कुल ही खाली पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो उनने बोला कि चलो थोड़ी देर पार्क घूम लेते हैं। लेकिन फिर पार्क में बहुत धूप थी और हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल गए। फिर वो यहाँ से अपने घर के लिए चली गई थी, उनका घर यहाँ स्कूल के पास ही है। और यहाँ मैं ये देखिए अब घर की तरफ वापस आ रही हूँ, और रास्ते में मुझे कोई सी रिक्शा या फिर ऑटो भी नहीं मिली, और फिर मैं पैदल ही घर की तरफ बढ़ चली हूँ। और इस समय यहाँ ऑटो या रिक्शा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैंने सुबह थोड़े से आलू लिए, तो यहाँ पर मैं आलूओं को थोड़ा सा उलट पलट कर रख रही हूँ इस बास्केट में। तो दोस्तों, आलू को इस तरह से उलट पलट देने से वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक अच्छे बने, तो गर्मियों में आलू ख़राब होने लगते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने सोचा खाना बना देती हूँ, दोपहर का टाइम भी हो चला था, तो यहाँ पर खाना बनाने मैं यहाँ पर दाल चावल और फिर चटनी बना रही हूँ। तो चटनी बनाने में सबसे पहले धनिया को धोकर जार में डाल दिया, ये हरी धनिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर दो कट करके डाल दिए हैं, और इसमें हरी मिर्च डाल दी है। इसमें मैं एक छोटा चम्मच अमचूर डाल दे रही हूँ, और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। तो इसको डालकर फिर मैं इसे अच्छी तरह से पीस दूंगी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ इसे पीस दिया है, और ये हमारी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो गई, और दाल चावल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मेरा खाना तैयार हो गया है, और अब बस मैं खाने को जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी और खाने का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पर दाल चावल और साथ ही ये चटनी, तो यहाँ पर मैं चटनी भी निकाल देती हूँ। तो चटनी बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और इस खाने के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है इसका। तो बस मैंने यहाँ पर खाना सर्व कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आइए मैं आपको एक चूड़ियाँ दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ जब रास्ते में आ रही थी तो मुझे एक चूड़ियों वाले भैया दिखे थे, तो वहाँ पर ये चूड़ियाँ लगा रखी थी उनने, तो उनसे मैंने ये चूड़ियाँ ले ली। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास करके, ये देखिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये चूड़ियाँ किस प्राइस में मिलती हैं। और मैं अभी आपको चूड़ियों का प्राइस नहीं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ऐसी चूड़ियाँ आपको पसंद है या नहीं, और ऐसी चूड़ियाँ आपके यहाँ किस प्राइस में मिलती हैं। तो ये देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।